आदमी मैं कौन सा किसी के इश्क में पागल होकर कोर्ट मैरिज करने जा रही हूँ? जो कुछ भी कर रही हूँ आपके अपने और विशाल के लिए तो कर रही हूँ। वो करने देखा तुझे, कोई गड़बड़ कर दी तो? इसीलिए तो कह रही हूँ कल ही कर देने का। अरे वो समझती क्या है खुद को, बड़ी हूर परी है कहीं की। मैं तो ऐसी 10 ब्याह लाऊंगी अपने बेटे के लिए। 10? उस जैसी एक भी मिल जाए ना अम्मा तो मुझे बताइएगा जरूर। देखता हूं मैं मुहित भाई कि पूरे शहर में ऐसा कौन सा ब्यूटी पार्लर है, कौन सी माई की लाल ऐसी ब्यूटिशियन है जो भाभी को तैयार करके किसी और के लिए दुल्हन बनाएगी। देखता हूं। अनमोल मेरी बात सुन। मौलाना साहब मेरे साथ आइए, आपसे एक काम है। डाल लो इसे गले में, इससे ज्यादा तैयारी का वक्त नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। क्या ये सब? तुम बेकार की बातों में वक्त जाया कर रहे हो। जो कहा है वो करो, मौलाना साहब को वापस भी जाना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब तुम कर क्यों रही हो। क्योंकि तुम ये चाहते थे, बल्कि चाहते हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी ख्वाहिश नहीं, तुम्हारी ख्वाहिश नहीं, तुम्हारी जिद पूरी हो रही है। मुझे यहां तक लाने के लिए किया था ना तुमने ये सब, तो लो आ गई मैं। अब बंद करो ये खून खराबा। मैं अपनी वजह से किसी बेकसूर की जान खतरे में नहीं डाल सकती। कौन? तुम किसकी बात कर रही हो? परी, जो तुम्हारी वजह से इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। क्या कसूर था उसका? ये कि मैं उसे चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ? तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ऐसा करूंगा भी क्यों? मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगा। मगर वादा पूरा करने का कोई वादा नहीं किया। देखो मोहित, मैं दहलीज पार करके आ चुकी हूँ। वहां मेरी माँ दुनिया वालों के सवालों के जवाब दे रही हूँ, और उनका मुंह बंद करने का सिर्फ एक हल है मेरे पास, और वो है मेरी अभी और इसी वक्त शादी। तुम यूं ही झूठी सफाइयां देने में वक्त जाया करते रहे तो मैं किसी और से निकाह कर लूंगी। क्या पागल हो चुकी? कर दी गई हूं। मैं सच कह रही हूं, अगर 5 मिनट के अंदर अंदर ये निकाह ना हुआ तो मैं तुम्हारे गेटकीपर, तुम्हारे ड्राइवर, जो भी सबसे पहले नजर आया उसी से, बल्कि अगर कोई ना मिला तो इसी मौलाना से कहूंगी कि अपना निकाह पढ़वा ले मुझसे। दे जी मुझ भाई। अच्छा निका वो तेरी, पता था मुझे मोहित भाई इतनी आसानी से हार मान ही नहीं सकते, कभी भी नहीं। मम्मी फोन नहीं मिल रहा। नाक तक आजिज आ गई हूँ इस लड़की की हर धर्मी और सर फेरेपन से। तो फरीद को या उसकी बहन को फोन करके पता कर सर। मम्मी क्या हो गया? अगर आप ही वहां नहीं हुई तो उधर से भी सवाल शुरू हो जाएंगे कि रात के 2 बजे कहाँ निकली है लड़की। अरे वो उससे झगड़ने तो नहीं चलेगी, वो क्या नाम है उसका, मोहित। लड़ने के लिए निकाह खा लेके जाती सर। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ फरीद को फोन कर, उल्टे दिमाग की है वो। अस्पताल में पड़े पट्टियों से जकड़े से भी निकाह कर सकती है अपनी जिद पूरी करने के लिए। होश में तो है मोहित? अब मेरी खुशी में खुश नहीं है। कौन सी खुशी?
मुझे तो तेरे चेहरे पर ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। वक्त कम है अम्मा, जिद ना कर। अरे क्या वक्त कम है, आग लग गई है वक्त को क्या? कोई शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है तेरे फेरों का। देख मोहित, तू होगा बड़ा अड़ी, चलाता होगा जमाने भर में अपने, लेकिन मैं भी तेरी माँ हूं, तो मुझे मजबूर नहीं कर सकता। मैं ऐसी बेतुकी शादी पर हरगिज नहीं मानूंगी। ठीक है, मैं भी आपका बेटा हूं, अगर आप इजाजत नहीं देंगी, आपकी मर्जी शामिल नहीं होगी, तो मैं भी खुद सरी की गुस्ताखी नहीं करूंगा। मगर इतनी बात जहन में रखिएगा, आज के बाद शादी का लफ्ज भी हराम कर लूंगा मैं। फिर गिला ना कीजिए। देख मोहित, मुझे तेरी पसंद पर कोई एतराज नहीं, मैं तो खुद गई थी ना लड़की का रिश्ता लेकर। तकलीफ तो मुझे इस बेढब्बे अंदाज पर है, ये कोई तरीका तो ना हुआ? क्या कहेंगे लोग, दुनिया क्या बातें करेगी? देख मोहित, इस वक्त तू लड़की को ना समझा बुझा के घर वापस भेज दे। सवेरे मैं जाऊंगी उसकी माँ के पास, मैं बात करूंगी, देखना एक हफ्ते में तुम दोनों की। अम्मा, उसका मसला ये है कि जिस तरह आप मेरी माँ है, मुझसे जिद में दो हाथ आगे, इसी तरह मैं भी आपका बेटा हूँ, जिद पे अड़ जाने वाला। वैसे ही वो भी मेरी पसंद है, जिद में हम दोनों की टक्कर की। वो चली तो जाएगी अम्मा, लेकिन वापस लौट के नहीं आएगी मेरी जिंदगी। अम्मा प्लीज, मेरी खातिर, मेरे लिए अम्मा, प्लीज अम्मा, मान जा मेरी खातिर। अनमोल बिन सादिक अली, आपका निकाह मोहित मलिक वल मलिक सुभान के साथ मुबलिक 1,00,000 रुपए हक मेहर के एवज किया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? नहीं। मुझे ये निकाह इस हक मेहर के साथ कबूल नहीं। आप इनकी मर्जी का हक मेहर लिख दीजिए, जितना ये चाहती है। या अल्लाह पाक, वो नादान और जज्बाती है, उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना, बुरी बलाओं से महफूज रखना, और उसके लिए सब अच्छा कर देना। मुबारक हो मोहित भाई, मुझे मुबारक हो, मुबारक मुबारक हो मोहित भाई, मुबारक हो। बैठ जाने दीजिए। भाभी, भाभी मीठा कीजिए ना। नहीं, तुम्हारी भाभी को मीठे से परहेज है। हैं? भाभी को शुगर है? वाह।
भाई कहाँ रह गए थे आप? मैं मस्जिद में। ये कौन सा वक्त है गुनाह बख्शवाने का? नमाज पढ़ने गया था यार। तहज्जुद की? शुक्राने के नफिल कभी भी अदा किए जा सकते हैं। वो मोहित भाई मैं ना भाभी को कमरे में छोड़ा हूँ आपके। ज्यादा एक्टिंग ना कर। मोहित मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। दस्तगीर तूने सुना नहीं, मुझे मोहित से जरूरी बात करनी है। तो माजी करेंगी तो सुनूंगा ना मैं। अरे तू तो जा यहां से। जी अम्मा डांटिए। अब क्या डांटूं? अब तो जो होना था सो हो चुका। पर खैर शादी सी में मेरे रब की रजा और तेरी खुशी है। पर ये तरीका गलत था, मेरा दिल सुखी नहीं हुआ। हालात ही ऐसे थे अम्मा। मैं अपने दिल की खुशी के लिए आपको दुख नहीं देता वरना। अच्छा बस कहा ना, जो होना था वो तो हो चुका, अब बात को आगे संभालना है। जी हुक्म। देख मोहित, मैंने तुझे खरे खोटे की पहचान कराई है, इसलिए मुझे ये डर नहीं है कि तूने अपने लिए कोई खोटा सिक्का पसंद किया हो। लेकिन ये जो दुनिया है ना, इसकी एक अपनी आंख होती है और ये आंख बड़ी टेढ़ी है। घर से भागी हुई औरत नस्लों की बदनामी लाती है साथ। इसे अभी इसी वक्त घर छोड़कर आ। जी? उसकी माँ के घर अभी और इसी वक्त। मगर अम्मा अब वो मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है। हाँ तो क्या बीवियां मैके नहीं जाती? अभी रात का अंधेरा बाकी है और उसने रात के अंधेरे में घर की दहलीज पार की है। इसी रात के अंधेरे में उसकी माँ का पर्दा रहे, वो भी बेवा औरत है मेरी तरह। अगर मैं एक बेटी की माँ का दुख नहीं समझूंगी तो लानत है। एक आध दिन में उसे इज्जत के साथ ब्याह लाएंगे। ठीक चल मैं चलती हूँ तेरे साथ, आजा। बस मैंने कह दिया है, अब और नहीं। क्यों? खानदान की इज्जत का ठेका मैंने ही क्यों उठाया हुआ है? बस तुम मुझे ले जाओ अभी और इसी वक्त। बुजदिल कमीने बैठे रहो दुबककर, मैं खुद ही आ जाऊंगी। जैसे मोहित की दुल्हन आई है, जो रास्ता उसने आने के लिए बनाया ना, उसी रास्ते से मैं बाहर भी आ सकती हूं। उसे तो किसी ने नहीं निकाला, तो क्या तुम मुझे निकाल दोगे? लड़की इधर होगी, बाहर निकलो। लड़की तुमसे बात करनी है। कहाँ गई?
चली गई। कहाँ? जहां से आई थी। अस्सलाम वालेकुम। जो कुछ तुम चाहते थे वो तुमने कर लिया, अब यहां क्या लेने आए हो? चाहता तो मैं यही था, लेकिन यकीन करें इस अंदाज में नहीं, लेकिन ये सब शायद ऐसे ही होना लिखा। मेरी इज्जत की बर्बादी का कसूर मेरी तकदीर के सर पे थोप के कितने आराम से तुम जुर्म कबूल कर रहे हो, और जरा भी शर्मिंदा नहीं। ये मोहित ने क्या किया है बहन? तुम्हारी लड़की मुंहजोर है, अब हम घर से निकालने से तो रहे ना जाने क्या कर गुजरती, सो करना पड़ा निकाह। मेरे मोहित ने अपना नाम देकर उसकी इज्जत रखी है, तो बहन तुम भी बात बढ़ाने के बजाय बात संभालने की करो। क्या कह रही हैं आप, मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ, ऐसी बातों में समझ बूझ मारी जाती है। अल्लाह किसी को इतनी अथरी औलाद ना दे, पर बहन तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगी, जब रुखसत करा कर ले जाऊंगी उसे। लड़की एक कप कड़क चाय तो बना कर ला, मेरी तो सुबह सुबह आंख ही नहीं खुलती अगर चाय ना मिले तो, और फिर सारी रात तो तेरी बहन की वजह से आंखों में ही कट गई। जा। आप पूरी बात क्यों नहीं बता रही? बेटी से अब तक पूछा भी नहीं, हद है। आप अनमोल को बुलाएं, अम्मा कुछ बात करना चाहती। अनमोल, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी रात भर आपके यहाँ थी। वही तो बता रही हूँ, अब आ गई शादी का जोड़ा पहन के, तो मैंने निकाह तो पढ़ा दिया, लेकिन बहन कोई दस्तूर होते हैं, रिवायात होती हैं। मैंने सोचा तरीके से जाके मेके छोड़ाती हूँ, उसके बाद धूमधाम से रुखसती करा कर ले जाऊंगी, लेकिन एक सियानापन किया उसने, खुद ही वापस आ गई मैके। मगर आप ही तो यहाँ नहीं आई, कल रात से नहीं आई। हाय, तो कहाँ गई लड़की? तुमने मेरी बच्ची से निकाह पढ़ाया, रातों रात उसे गायब कर दिया, मुझसे पूछ रहे हो, अनजान बन रहे हो? नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं, आप पूरी बात सुन लें। अगवा करने वाले देखे नहीं हैं आपने? पूरे 10 गवाह हैं मेरे पास जिन्होंने दंदनाते हुए से घर में घुसते देखा है। अब वो निकाह के लिए मरी जा रही थी तो। प्लीज खामोश हो जाओ। मैं कुछ नहीं जानती, मेरी बच्ची मुझे वापस ला के दो। कहां से वापस कर दूं, मेरे पल्लू से बंधी है या गोद में छुपा रखी है मैंने? अम्मा, तुम मुझे चुप कराए जाओ, इनके भले की बात कर रही हूँ, ये मुझे पे उलट रही है। तो फिर किससे पूछे? कल रात जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार आपका बेटा है, उन्होंने आप ही को इतना मजबूर कर दिया कि वो घर से निकले। रात भर उसके इंतजार में तड़प के गुजारी हमने, और आप लोग कह रहे हैं तो क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? हम यहाँ आए हैं इसलिए कि हमारे दिल में कोई मैल कोई खोट नहीं है, तभी तो रुखसती की बात करने के लिए आए हैं। अरे इतनी बेकाबू इतनी अथरी औलाद है तुम्हारी, अपनी तरबियत को रोने के बजाय तुम मुझे। खामोश हो जाएं, अभी आप सिर्फ ये सोचें कि अनमोल कहां हो सकती है और कहां जा सकती है। भाई तुम सोचो। आप फिक्र ना करें, मैं उसे ढूंढ लूंगा, कहां जा सकती है वो, इतना सा तो शहर है। हाँ, और ये शहर मेरे मोहित का है, यहां तो मिट्टी में भी कुछ नहीं छुप सकता मेरे बेटे से। अब तो उसके नाम के साथ इसका नाम भी लग गया है, ये तो सारे शहर को उथल पुथल कर देगा और ढूंढ ही निकालेगा उसे। जी, इनकी इस सलाहियत और काबिलियत का मुजाहिरा देख चुके हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। ये चाय पियो और खिसको यहां से। तुम मुझे घर से निकाल रही हो? शुक्र करो कि मेरे घर वाले गांव किसी की फौतगी पर गए हुए हैं,
वरना मैं तुम्हें रात को ही निकाल देती। बहुत बेमुरव्वत हो और बहुत बदजायका चाय बनाती हो। मुझमें और मेरी चाय में नुक्स निकालने के बजाय तुम यहाँ से निकलने की तैयारी करो। अगर घर वाले आ गए तो तुम्हारे इस हुलिये को देखकर क्या सोचेंगे? सोचना क्या है, उन्हें पता तो होगा कि कल मेरी शादी थी, इसलिए तुम गांव भी नहीं गई उनके साथ। वही तो, वो क्या कहेंगे कि शादी के बाद दुल्हन यहाँ क्या कर रही है? सारा फिल्मी सीन तुम्हारे सामने तो हुआ था, बता देना उन्हें कि कैसे विलन ने रकाबत में आकर हीरो को रास्ते से हटाने के लिए मरवा दिया। क्या मर गया फरीद? असल में मरा या नहीं, मगर उसका किरदार मेरी कहानी में मर गया। इंटरवल के बाद की स्टोरी तो तुम सुना नहीं रही हो कि क्या चांद चढ़ाकर आई हो और क्यों यहां पर इतने घंटों से छुपी बैठी हो। छुपते वो लोग हैं जिन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी हो। अपना कोई जोड़ा तो दो मुझे निकाल कर, इस अजाब से तो निजात हासिल करूं। तौबा है, दे रही हूं, उठो तुम, मुंह हाथ तो धो। इस वक्त मसला ये है कि वो गायब। मसला तो वो तब भी थी जब गायब नहीं थी। मैं कुछ नहीं जानती, मैं अपनी बच्ची तुम लोगों से लूंगी। इनका तो वही राग है। आप फिक्र ना करें, मैं उसे ढूंढ लूंगा। कहां जा सकती है वो, इतना सा तो शहर है। हाँ, और ये शहर मेरे मोहित का है। यहाँ तो मिट्टी में भी कुछ नहीं छुप सकता मेरे बेटे से। अब तो उसके नाम के साथ इसका नाम भी लग गया है। ये तो सारे शहर को उथल पुथल कर देगा और ढूंढ ही निकालेगा उसे। जी, इनकी इस सलाहियत और काबिलियत का मुजाहिरा देख चुके हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। हेलो। अरे हाँ जी, वो तो निकल गया। हाय हाय, ये लड़की क्या कर रही है? मैं आपको रात की फिक्र थी ना, अब तो पता चल गया ना कि वो वहां थी। दिन हो गया है, शायद आने वाली। ये उंधा फैसला कर लिया था तो वही मरी रहती, यहां वहां से निकले क्यों? क्या करूं? पिज़्ज़ा, तुम्हारे पास किराए के लिए कुछ पैसे होंगे? हाँ, एक मिनट। फिर से कुछ उल्टा मत कर देना। और कहां जाओगी? घर। कौन से? मेरा मतलब है ससुराल जाओगी या मैके? बकवास बंद करो। अच्छा रुको, ये तो लेती जाओ। रात को ओढ़े हुए आई थी। ये मेरी नहीं है। जिसकी भी है वापस तो करनी होगी ना। कल रात से मुसलसल रोई जा रही, कभी आप ही की फिक्र करती है तो कभी दुनिया। बेटी की फिक्र माँ को होती है और दुनिया की फिक्र अकेली औरत की। उसको ना अपनी फिक्र है ना दुनिया की, तो मैं भी ना करूँ क्या? प्लीज अमीर होके अपनी तबीयत तो खराब मत कर। अरे छोड़, मेरी तबीयत ही पड़ी है। बहन की फिक्र कर जिसने अपनी जिंदगी तबाह कर डाली है। अम्मी, कभी आपको उन पर गुस्सा आता है और कभी हमदर्दी करने लगती है। उसके साथ ठीक भी तो नहीं हुआ ना। खुद उन्होंने जो अपने साथ किया वो ठीक है। मैंने जो कुछ भी किया सोच समझ के नहीं किया। आइला आ गई मेरी बच्ची, शुक्र है खुदा का, शुक्र है। आए तुम आ गई, ठीक है ना तुम? ठीक है। सोच समझ कर किए जाने वाले फैसले हमेशा किसी ना किसी के हक में बेहतर साबित होते हैं, और मुझे किसी का भला नहीं करना चाहे मेरा अपना बुरा होता हो। आपका शौहर और ससुराल वाले आपको तलाश करते फिर थे, उन्हें बता दें कि आप महके आ गए। तो वो यहां आए थे मुझे ढूंढने। गुड,
अच्छा वो उन्हें खुद ही पता चल गया कि मैं यहाँ भी नहीं थी। वेरी गुड। विशाल सवाल जवाब बाद में हो जाएंगे, पता नहीं कब से भूखी है, पहले कुछ खाने का तो पूछ। अच्छा तू आराम कर, मैं नाश्ता बना के लाती हूँ, मैं अपने हाथों से बना के लाती हूँ। अम्मी ये छोड़े, मैं चाय बना देती हूँ, आप जाके आप इस बात क्या बात करो। उसने ये सब कुछ करने से पहले मुझसे पूछा था, तो आप कुछ पूछ ले। माँ हूँ उसकी, ना भी पूछो तो जानती हूँ उसके दिल में क्या है। तुमने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है, इत्मीनान देखा है तुमने? और ये तभी होता है जब उसने किसी का इत्मीनान छीना। खौफ आ रहा है उसके रातों से। अम्मी अगर वो लोग बात को संभालना चाहते हैं ना, तो आप आपी को समझाएं कि सीधी रहे, जितना खराब होना था हो गया, अब बात को सुधरने दें। मोहित भाई परेशान ना हो आप, वो अकेली गई है ना, पक्का है ना, भागी थोड़ी है किसी के साथ जो आप ऐसे परेशान। माँ जी का फोन। सुबह से एक ही सवाल किए जा रहे हैं, मैंने फोन नहीं उठाया तो अब तुम्हें कर लिया। सलाम अलैकुम माँ जी। जी माँ जी यही है। जी 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 अच्छा जी जी बता देता हूँ। मोहित भाई वो साली कह रही है कि, मोहित भाई आपकी साली भाभी की बहन, वो इसके बारे में आपने मुझसे कहा था कि आप मेरी शादी। आगे बोलना दस्तगीर। मोहित भाई साली, आपकी साली ने माजी को फोन करके ये बताया है कि भाभी खैर खैरियत से घर पहुंच गई हैं। शुक्र है। और खाना, पता नहीं कब से भूखी है। आप नाराज हैं? मेरे पास और कोई चारा नहीं था। ऐसी भी मौत नहीं पड़ी थी अनमोल। खैर इस पर क्या बहस करनी अब। तुझसे दरख्वास्त करती हूँ, इल्तिजा है मेरी कि मेरा और इम्तिहान ना ले, वापस चली जा। जब निकाह कर लिया बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी मौजूदगी के, तो उसकी मनकूहा बनकर मेरे सीने पर मूंग दल लेना बैठ जाना। आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ डेरा डालने आई? अपना सामान लेने आई थी। सच क्या है ये?
मीठा नहीं बनाया मेरे लिए। अनमोल सच बता क्या है तेरी दिल? जो भी है बस एक वो नहीं है मेरे दिल और ना कभी हो सकता है। हाँ मैं उसके घर में हो सकती हूँ। बीबी जी इतनी खामोशी से? दरवेश औरत हूँ भाई, आज इस अल्लाह को भी पसंद है आज जीन कसारी और सादगी, तो क्या करना धूम धड़क का और शोशा करके। बीबी जी आपका एक लोता बेटा है, कुछ तो कर। चुप कर। बीबी जी ठीक कहती हैं, सादगी में बड़ी बरकत है। वो याद है हाजी साहब का कैसे धूमधाम शान और शौकत से बेटी बिहाई, करोड़ों का जहेज, 2 महीने में तलाक। चुप कर मनहूस मारी, मैं शगनों की बातें कर रही हूँ, तू तलाकों की किससे छेड़ बैठी है? नहीं जी बीबी जी, मैं तो सादगी की बरकत का बता रही थी। वो जो मस्जिद में छुआरों पे निकाह होता है ना, बड़ी बरकत वाले होते हैं। और क्या, इसीलिए तो कर दिया सादगी से निकाह। यतीम बच्ची है, उसकी माँ कहाँ से पूरा करती बेचारी बेवा। वाह मजी वाह, बड़ा सवाब का काम किया है आप। हाँ वही तो, दुनियादारी बड़ी कर ली, अब आखिरत भी तो समेटनी है, वरना बड़े बड़े ऊंचे घरानों के लोग एड़ियां रगड़ते हैं मेरे मोहित को अपनी बच्ची देने के लिए। पर मैंने कहा ना, बिन बाप की बच्ची लाऊंगी और वो भी 3 कपड़ों। क्या बात है आपकी बीबी जी। निकाह और बारात का झंझट तो लड़की वालों के ख्याल से नहीं किया, अब बताओ बारात लेकर जाती तो किस किस को बुलाती और किसको छोड़ती? 1,500-2,000 लोगों को एक ग्लास शरबत भी पिलाओ तो धुआं निकल जाता लड़की वालों का। लेकिन अब वनीमा करूंगी धूम से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाजी, मैं तो नया जोड़ा लूंगी। हाँ, क्यों नहीं, पूरे शहर को बुलाऊंगी मैं, पूरा मोहल्ला सजेगा कुमकुमों से, 8 किस्म के पकवान होंगे खालिस घी में बने हुए, और दुल्हन का जोड़ा सुच्चे सोने की तारों से बनाऊंगी। मगर वो आजजी वो सादगी। हाँ तो कर ली ना सादगी, दिखा दी आजजी निकाह में, यूं भी सादगी का हुक्म निकाह के लिए है, वलीमे के लिए नहीं। वलीमे पर तो मैं अपने सारे अरमान पूरे करूं। ऐसे मुंह उठा के नहीं जाने दूंगी तुझे मैं। वाह, अभी थोड़ी देर पहले तो आपको फिक्र हो रही थी कि मैं कहीं आ रहे हैं ना जाऊं। तरीके से रुखसत करूंगी ना, डोली में बिठा के। मत भूलें कि मैं अपनी बारात खुद लेकर गई थी रिक्शे में। इसी हिमाकत की दुनिया वालों को खबर नहीं, एक दफा ढंग से रुखसत हो जाओ ताकि हमारी और उनकी दोनों की इज्जत रह जाए। उन्हीं की इज्जत तो नहीं रहने देनी मुझे। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? कोई कसर छोड़ी थी उसने मुझे और मिशाल को बदनाम और बर्बाद करने में? अब उसे सर उठाकर बारात लाने दो ताकि वो किसी जीते हुए तमगे की तरह मुझे अपने सीने पर सजा के फाते बनकर निकले यहां से। तू अम्मी, मैं जा रही हूं यहां से, आप कहेंगी तो रुक जाऊंगी मगर हमेशा के लिए, फिर मार मार कर भी निकालेंगी ना तो अपनी जगह से हिलने वाली नहीं मैं। ठीक है चली जाना, लेकिन कम से कम रात को तो रुक जा। वहां से रात के अंधेरे में निकली थी, यहां से कदम दिन के उजाले में निकालना। बेटे की दफा सब उल्टा उधा सीधा लगने लगा है, बड़े अरमान निकालने की सोच रही है ना, मेरे अरमान ना नजर आए किसी को। मेरा दिमाग खराब था जो इतने सालों से इनकी इज्जत संभाल कर बैठी थी,
से भागी को तो सर पर बिठा रहे, ठीक है अब मेरे घर से भागने पर भी ना वाह वाह करके दिखाए। खड़ी बातें क्यों मठा रही है, जाके मोहित का कमरा सेट कर। बीवी जी जेल उतर रहे हैं। ये अल्लाह खैर करे, हम क्यों किसी बेवा माँ या यतीम बच्ची के माल पर नजर रखें। मेरा मोहित जीता रहे, उसके पास अल्लाह का दिया सब कुछ। बीवी जी अच्छा ही किया, वो किसी गरीब घराने की यतीम लड़की ला रही है, अमीर घर की आती ना तो सर पे ही चढ़ती, ये अदब करेगी। अरे उसकी हिम्मत नहीं होगी बीबी जी के आगे सर उठाने की। हाँ वरना आजकल की लड़कियां तो। अस्सलाम वालेकुम, इधर आओ जी। क्या नाम है तुम्हारा? जी निगर। ये सामान ले जाओ। बाजी क्या है? मेरा मतलब है ये सामान मोहित भाई के कमरे में रखा। और क्या, अपने क्वार्टर में लेकर जाएगी? कैसी हैं आप आंटी? आप, मेरा मतलब है अम्मा। सॉरी मुंह से निकल गया, आपको बुरा तो नहीं लगा कि मैं आपको माँ नहीं सास समझकर आंटी कह रही हूँ? बीबी जी को सास कह रही है। लड़की जा अपने कमरे में जाके आराम कर। जी अच्छा। निगत तुम्हें हजार बार कहे कि दरवाजा नॉक करके आया करो। तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे ही दंदनाते हुए घुसी हो तो फिर कमरे में इजाजत लेकर कैसे आऊं? अपनी सल्तनत में आने के लिए इजाजत की जरूरत पड़ती भी नहीं। बटन बंद करो। आते ही तुमने हुक्म चलाना शुरू कर दिया। टिपिकल बीवी। मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं टिपिकल बीवी का रोल प्ले करूंगी। मुझे तुमसे किसी भी किस्म की टिपिकल रवैये की उम्मीद है भी नहीं। रवैये की तो क्या, किसी भी किस्म की कोई भी उम्मीद मत रखना, सुखी रहोगे। सुखी तो मैं अब बहुत रहूंगा, सितारे चमक उठे हैं मेरे। ये तो वक्त बताएगा कि सितारे किस कदर चमके हैं। इतने ज्यादा चमकेंगे कि दिन में भी नजर आने लगेंगे। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे अंदर की तड़प इतनी ज्यादा है कि तुमसे रात का भी इंतजार नहीं हुआ। क्या मतलब? मतलब ये कि थोड़ा सब्र कर लेती, हम लोग तुम्हें खुद लेने आने वाले। मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा था, एतबार नहीं था मुझे। मुझे खुद पर एतबार नहीं है, अगर मैं भाग जाती तो।
हटो सामने से, थकी हुई हूँ, रास्ता दो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। कल तक सिर्फ ये ख्वाब था कि मैं घर में दाखिल हूँ और तुम मुझे मुस्कुराती हुई सामने मिलो। अब तो इस हवेली की बहू है, यहाँ रहना है तो वही सब कुछ करना होगा जैसे मैं कहूँ। आप मुझे सर ढांपने की हिदायत करने के बजाय नामहरम को घर में दाखिल होने से रोके। आज तक हमारी दहलीज से बाहर हमारी किसी बच्ची ने बगैर इजाजत के कदम नहीं रखा, और ये तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि घर आओ और तुम्हारी बहन ना। पता तुम्हारी जश्न मनाने का हक भी तुम्हें है।